2% का आदमी झूठ बोल बोल करके दिल्ली में राज कर सकता है और ज्यादा लंबा नहीं चलता झूठ। हमें दिक्कत ये नहीं है कि गुंडों खत्म करो, लेकिन कानूनी व्यवस्था से खत्म करो। ये जो दूसरा गुंडा राज बराबर में खड़ा कर रहे हो, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा भाई। जो मर्सिडीज के कुत्ते नहीं है, कांतिया के कुत्ते नहीं है, अगर समाज में बात आती है तो भोगते भी और काटना भी जानते हैं। ये लोग ईमानदार कभी नहीं हो सकते। अरे जो बनिया आता है ना, बनिया बचपन से सिखाया जाता है कम तोलना, मीठा बोलना है ना, और झूठ बोलना। और ये जो मूवमेंट है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की मूवमेंट है। माननीय साहब काशीराम, मैं कहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर का अगर कोई रियल में कोई बेटा है तो माननीय साहब काशीराम है। और तो राशन कार्ड वाले हैं, नाम लिखवा रखा है, रॉयल्टी खा रहे वो लोग, उन्होंने काम नहीं किया। ये जो महाराष्ट्र के लोग आकर के नॉर्थ इंडिया में चंदा लेके जाते हैं, इन्होंने काम कुछ नहीं किया। असली काम बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा काशीराम था, जिन्होंने जन जन तक माननीय काशीराम जी का पैगाम पहुंचाया। और यूपी के लोगों की बात हो रही थी, हमारी बहन गायिका बैठी है, गजब के लोग हैं, ऐसे लोग शायद ही धरती पे कहीं मिलेंगे जैसे उत्तर प्रदेश के लोग हैं। थोड़ी कड़वी बात भी कहूंगा, आप लोग एक ऐसी नाव में भी बैठे हो जो मुझे लगता है काफी पुरानी हो चुकी है, नई बना लो दिल्ली में और उस नाव के सारे सरकार बनाएंगे, छूटे चमारे इकट्ठे हो गए। और आपके साथ आज तो देखो चमारों के लीडर भी आपके साथ है, चूड़ा के लीडर भी साथ में, भाई यादव भी आ गए और सैनी भी आ गए, कौन रह गया बताओ, कोई बचा है क्या? तो बड़ा खेल हो सकता है दिल्ली में जब एक 2% का आदमी झूठ बोल बोल करके दिल्ली में राज कर सकता है और ज्यादा लंबा नहीं चलता झूठ। तथागत बुद्ध को दबाने का कितना प्रयास किया गया, 5000 साल से दबा रहे हैं लोग हमें, लेकिन आज इनकी छाती पे आप लोगों ने एक ऐसा झंडा गाड़ दिया है, ये पंचशील का झंडा, ये लोग कॉपी भी करने लगे हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा जैन साहब का, जो महावीर के अनुयायी हैं, ये जो ब्राह्मणिकल व्यवस्था के लोग हैं, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, वो महावीर को भी नहीं मानते, क्योंकि महावीर भी बुद्धिस्ट थे, उन्होंने भी मानवता का संदेश दिया हमेशा, वो उसको भी नहीं मानते, सिर्फ आड़ लेते हैं सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, ताकि इनका जो ब्राह्मण धर्म है वो बचा रहे, ये लोग एक्सपोज ना हो। लेकिन आज पूरी दुनिया में, पूरे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया, और अब तो बिल्कुल खुल के खेल रहे ये लोग। आपने उत्तर प्रदेश में देखा संविधान की धज्जियां उड़ाई, हाथरस कांड हुआ मनीषा वाल्मीकि का, रात में उस लड़की को जला दिया गया प्रशासन के द्वारा, और नया नया किस्सा भी, बाप बेटे को मार दिया, बाप के जनाजे, बेटे के जनाजे बाप को नहीं जान दिया और बाप का जनाजा देखने के लिए बेटा ही नहीं बचा। हमें दिक्कत ये नहीं है कि गुंडों खत्म करो, लेकिन कानूनी व्यवस्था से खत्म करो। ये जो दूसरा गुंडा राज बराबर में खड़ा कर रहे हो, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा भाई, और ये चलना भी नहीं चाहिए। आप लोग समझो कि यहाँ खेल क्या चल रहा है, ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ये जो लोग बिना सोचे समझे किसी के भी घर पे बुलडोजर चला देते हैं, किराए के गुंडों से इनकाउंटर करवा देते हैं, और क्या क्या नहीं हो रहा है इस देश में। अगर इसको बचाना है, इस मिट्टी को बचाना है, तो एक ही रास्ता है, वो तथागत बुद्ध का रास्ता है, बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता है, माननीय साहब काशीराम का रास्ता है। और एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग जागरूक लोगों जो यहां पर आए हैं, नहीं तो लोग बाबा साहब के कार्यक्रम में बड़ा कम आते हैं, और वो लोग कम आते हैं जिनको बाबा साहब की वजह से अच्छी व्यवस्था मिली, जिनके घरों में एसी गाड़ियां और अच्छे अच्छे उनको पोशाक मिली पहनने के लिए, अच्छे अच्छे पदार्थ मिले खाने के लिए। लेकिन मैं यहां कह सकता हूं ज्यादातर वो लोग बैठे हैं जो अभाव में है, और अभाव वाले लोग ही कुछ ले सकते हैं जो पहले ही मर्सिडीज में घूम रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं नेताओं के लिए, आज यहाँ पर वो सारे नेता बैठे हैं जो मर्सिडीज के कुत्ते नहीं है, कांतिया के कुत्ते नहीं है, अगर समाज में बात आती है तो भोगते भी और काटना भी जानते हैं। वैसे लोग नहीं है जो लोग विधानसभा में बैठे हैं, जो लोग संसद में बैठे हैं। तो आज आपको समझने की जरूरत है क्या आवश्यकता किस चीज की है। आप धार्मिक रूप से कितना भी इकट्ठा हो जाओ, इनका फर्क नहीं पड़ने वाला जो लोग हुक्मरान बैठे हैं दिल्ली कुर्सियों पर। आप सामाजिक रूप से कितना भी इकट्ठा हो जाओ, इनको फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मनोहर साहब काशीराम कहते थे, मैं नहीं कह रहा,
जिस दिन आप लोग राजनीतिक रूप से किसी ईमानदार आदमी के साथ खड़े हो जाओगे और इनकी कुर्सी लाने लायक हो जाओगे तो दिल्ली की कुर्सी भी आपका कब्जा होगा। और उसी की जरूरत है। आज जन जन तक बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है, मूवमेंट है, वो पहुंचा हुआ है। और वो लोग भी जिनके अंदर जरा सी भी खुददारी है, आपके सामने बैठे हैं, गौतम साहब बैठे हैं आपके सामने, इन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी थी, लाला जी ने क्या किया आप लोग देख सकते हो। लेकिन ये घबराए नहीं, पूरे देश में जा रहे हैं मूवमेंट को लेकर के, पूरा देश जागा हुआ आज ना मूवमेंट हर घर तक। आप देखो इस साल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती दलित और पिछड़ों ने कम मनाई है, ब्राह्मणों ने, बणियों ने, ठाकुरों ने ज्यादा मनाई है, ज्यादा मनाई है। क्यों मनाई है? क्योंकि वो लोग भाप लेते कि आने वाला समय कैसा होगा, उनको डर लगने लग गया है। अरे जिस व्यक्ति के फोटो से दुश्मन डरता हो, जिसके स्टैचू आज भी तोड़े जाते हो और उसके जो बच्चे हैं वो कैसे गुलाम बन के बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए हमें इन लोगों पे। ये जो नई नई कंपनियां रोज खुल रही है राजनीति में, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, जितनी भी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां खुली हुई है, हमारे लोग सिर्फ नौकरी कर सकते हैं, इनकी औकात नहीं है राजनीति करने की। हम लोग जीते जागते उदाहरण आपके सामने। अरे 10 महीने से जेल में पड़ा एक मंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, उसे नहीं हटाया गया। मनीष सिसोदिया भी काफी समय रहा, उसको बाद में हटाया गया। और हमारे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत, अभी कुछ बोला 1 घंटे बाद कार्रवाई, चाहे मुस्लिम हो या दलित हो या ओबीसी हो या पिछड़ा हो। तो आप लोगों को समझनी पड़ेगी ये चीजें। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग सामाजिक कार्यक्रम में ये बात बताने से थोड़ा कहते हैं भाई नहीं, लोगों में क्या इंप्रेशन जाएगा। हम लोग जो भी बड़े हैं, जब मैं मंत्री बना दिल्ली में तो मेरे बाप खुश नहीं थे, पिताजी खुश नहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि आपको खुश होना चाहिए बाबूजी, माननीय साहब काशीराम के साथ रहे, मेरे फादर साहब आर्मी में नौकरी करते थे। तो मेरे फादर ने कहा कि भाई खुश होने की कौन सी बात है, मगर जी लोग दिल्ली में नौकरी ढूंढने आते हैं, आपका बेटा विधायक बन गया, मंत्री बन गया। तो मेरे फादर ने कहा कि आपको गलतफहमी है वकील साहब, क्योंकि मैं वकील था। फादर ने कहा वकील साहब गलतफहमी है, आज आपको इस समाज का दलाल नियुक्त किया गया है लाला जी की सरकार में, इससे ज्यादा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो जितने भी लोग बैठे हैं सरकारों में वो दलाली कर रहे हैं आपकी, आपके नाम पे वोट लेते हैं, समाज के नाम पे वोट लेते हैं। बाबा साहब का जो पूना पैक का समझौता है उसकी वजह से रिजर्वेशन मिला है, उसकी वजह से वोट लेते हैं। और फिर नौकरी किसकी करते हैं? इनकी करते हैं जो लोग आज देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, इनकी करते हैं जो लोग देश को बेचने में लगे हुए हैं, इनकी करते हैं जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। तो भाई आपके पास तो इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा इस दुनिया में कोई आइकन नहीं है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा उसके बाद। एक बार एक राजा शिकार करता हूं अपने राज्य की सीमा से बाहर चला गया, तो दूसरे राज्य के सैनिकों ने उसको पकड़ लिया और उसको कारागार में डाल दिया और फांसी की सजा सुना दी। तो वहां की राजकुमारी ने देखा कि इतना सुंदर युवक है, इसको मार दिया जाएगा, इसकी जान कैसे बचाऊं। तो वो राजकुमारी रात को कारागार में जाती है, उससे कहती है कि मैं तेरी जान तो बचा सकती हूं लेकिन मेरी एक शर्त वो माननी पड़ेगी। राजकुमार ने सोचा जब जान बच रही तो शर्त मानने में क्या अर्ज है। कहने लगा जी बताओ क्या शर्त है। कहते आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो वो राजी हो गया इस बात पर, ठीक है ये राजकुमारी, मैं राजकुमार, कोई हर्ज भी नहीं, रिश्ता ही बढ़िया, शादी कर लेते हैं, मेरी जान बचाओ। तो वहां से उसको निकाल करके वो घोड़ों के अस्तबल में जाती है लड़की। घोड़ों के अस्तबल का जो मालिक था वो खड़ा जाता राजकुमारी को देख के, राजकुमारी आप इतनी रात को। उसने कहा आप शांत रहें और हमें दो घोड़े दें, और घोड़े भी ऐसे हो जो बिल्कुल तूफान से बातें करे, किसी के हाथ ना आए। तो वो राजकुमारी को दिखाता है कि बिल्कुल जवान तंदुरुस्त घोड़ी थी, जमीन पे पैर नहीं लगते थे उसके। कहता जी ये घोड़ी है, तूफान आ जाए, गोली चल जाए, आंधी आ जाए, किसी के हाथ नहीं आती। कह रहे एक और घोड़ी दिखाओ, एक और घोड़ी दिखाई, कोने में बैठी थी बुजुर्ग सी घोड़ी। ध्यान से सुनना आप लोग, काम की बात है। तो उसने कहा जी ये घोड़ी है, ये भी बड़ी तेज दर्राट है। तो उसने पूछा कीमत क्या है इनकी। तो उसने बताया कि जवान घोड़ी की जो कीमत है वो 50,000 है और बूढ़ी घोड़ी की कीमत 1,00,000 है। तो उस युवक का थोड़ा दिमाग ठनकर पूछा, यार ये क्या आप जवान घोड़ी की कीमत 50,000 बता रहे हो, बूढ़ी घोड़ी की कीमत 1,00,000 बता रहे हो, इसमें फर्क क्या है। तो उसने कहा मालिक ने कि जो जवान घोड़ी है
ये सच है कि तेज है, तर्राट है, जल जला जाए, तूफान आ जाए, गोली चल जाए, किसी के हाथ नहीं आती, लेकिन किसी भी सवार को मंजिल तक नहीं पहुंचा है। ये जो बुजुर्ग घोड़ी है, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, सवार को मंजिल तक पहुंचाती है। इसकी माँ भी ऐसी थी, इसकी दादी भी ऐसी थी, नस्लों की बात है। तो वो जवान उस औरत का हाथ छोड़कर कहता है कि भगवान मैं मर जाऊंगा, तेरे साथ नहीं भागूंगा, आज तू भागनी, कल मेरी बेटी हो सकता भागे। तो ये नस्लों की बात है। तुम लोग आज ऐसे निठल्ले बन गए हो, और मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं, 10 साल बाद इस पूरी दुनिया में माननीय साहब कांशीराम का भी जन्मदिन मनाया जाएगा। ये पूरे यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जिसने तबके को नेतृत्व काशीराम जी का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी हिस्सेदारी। अरे दिल्ली तो होगी, सबसे ज्यादा बसे हुए हम लोग, ये दिल्ली तो हमारी होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो भाई ये पुराने जो वाहन है, तो नई गाड़ियां बहुत आ गई हैं, उनके सस्पेंशन भी ठीक है, इंजन भी ठीक है, चलती भी जाती है, थोड़े तैयार हो जाओ, समाज तैयार बैठा है। और जब एक विधानसभा में इतना जलवा आप लोगों का, तो दिल्ली की 70 विधानसभा में जब हमारे लोग घूमेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बिना इस देश में या दिल्ली में किसी की सरकार बन सकती है। और जब हमारी सरकार बनेगी, तो फिर हमारे लोग काम होंगे, और फिर जो लोग आज इनकाउंटर कर रहे हैं, हम उनका इनकाउंटर नहीं करेंगे, हम कानूनी प्रक्रिया तेज करके उनको जेलों में डाल देंगे। और मैं इतनी बड़ी बात कहता हूँ, इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनकर शकल का जाएगा, ये पहला प्रधानमंत्री होगा इसने इतना देश का नाश किया, डरने की जरूरत है। और ये जो लोग ईमानदारी का ढोंग करते हैं, ये लोग ईमानदार कभी नहीं हो सकते। अरे जो बनिया होता है ना, बनिया बचपन से सिखाया जाता है कम तोलना, मीठा बोलना, है ना, और झूठ बोलना, बनिया कभी ईमानदार नहीं करता। आप लोग गलत आदमी में भरोसा कर लिए, क्योंकि वो आरएसएस ने प्रोजेक्ट किया था। वोट जो है वो बहन बेटी की सबसे बड़ी चीज है। हम लोग वोट को सोचते हैं, साल में 5 साल में आता है चुनाव और वोट किसी को भी डाल दो। अरे जब हमारे साथ अत्याचार होता, उत्पीड़न होता, तो मैं प्रशासन याद आता है, फिर शासन जो उसको चलाता है, और हमारी बहन बेटियों की खुलेआम इज्जत लूटी जाती है इस देश में, खुलेआम हमारे लोगों को मारा जाता है। और मैं सलाम करता हूं एक कम्युनिटी ऐसी देश में, देश को जगह हमारी कम्युनिटी है, इस व्यवस्था को चाहते हैं, ये हमें वापस वाले जाना चाहते हैं। अरे अगर इस देश में अंबेडकरवाद का संविधान ना होता बाबा साहब का, तो ये जल्ले चूड़ेगा छोड़ेगा थोड़ी स्टेज पे होता, स्केचर के जूते पहन के थोड़ी खड़ा होता, कहीं झाड़ू झूड़ू लटका के अपने गले में हांडी, कहीं सफाई कुछ सुअर सावर पाल रहे होते, और क्या औकात थे हमारे। तो ये जो औकात बनाई है बाबा साहब अम्बेडकर की देने, और जिन लोगों ने बाबा साहब को धोखा दे दिया, सोच लो वो एक खून नहीं है, एक बाप की औलाद नहीं है, उनका असली बाप जो है उनका बाप नहीं है, क्योंकि इस देश का अगर कोई बाप है तो बाबा साहब अम्बेडकर है, माननीय साहब काशीराम जैसे लोग, ज्योतिबा फूले जैसे लोग हैं। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, पूरी दुनिया में जिसने परचम लहराया तथागत बुद्ध का, जो संदेश है पूरी दुनिया में गया, इनके 33 करोड़ देवी देवता पाकिस्तान में नहीं जा पाए, बॉर्डर नहीं पार कर पाए, कोई भी एक भी बॉर्डर नहीं पार कर पाए। तो समझो आप लोग, बहुजन समाज हमेशा से था, और जिस दिन आप लोग इकट्ठा हो गए, बड़ी खुशी होती है मुझे, लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को उठाते हैं, राजबल्लभ सैनी जैसे लोग, और मंत्री जी का जलवा था आपने देखा, सारे दिल्ली की सरकार का झंडा चढ़ गया था जमीन में, इस प्रतिज्ञा पड़ी। तो ये झंडा जो है ना वोटर के रूप में चढ़ा, और डरो मत, ये बंदर जैसे लोग हैं, एकदम घुटकी लेकर जूता करके मारोगे तो भाग जाएंगे ये लोग। ये लोग इतने मजबूत नहीं है विचारों से, दिमाग से, ये लोग षड्यंत्र करते हैं, और हमारे लोग इतने ईमानदार हैं, फिर भी ये लोग जो है इनको कहते हैं संविधान से चलो। तो आप लोगों ने ईमान सम्मान दिया, प्यार दिया, और इतना जो आपने सजाया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आप लोगों का आभार। मुझे थोड़ा सा निकलना है, मैं माफी चाहूंगा सभी लोगों से, इसलिए पहले बोल पड़ा, नहीं तो मैं तो सुनना चाहता था सारे लोगों को। तो साथियों नारे लगाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, मनोहर साहब काशीराम जी अमर रहे, मनोहर साहब काशीराम जी अमर रहे। अरे वोट हमारा, राज तुम्हारा, अरे वोट